पावलालपुर मार्ग की कितनी इज्जत करता है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण मैं खुद हूं। पावलालपुर मार्ग के एक आभार पर मैंने 2,60,000 की प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और वीआरएस लेकर के 8 साल की नौकरी करोड़ों रुपया गांव पे लगा करके भारलाल परमार के कहने पर भारत देश के आदिवासियों को जगाने का काम कर रहा हूं और मेरे जैसे हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिस दिन भारलाल परमार ने आह्वान किया सब अपनी नौकरी छोड़ करके आदिवासी समाज को जगाने के लिए आ जाएंगे। वो ताकत है भावलाल परमार। भावलाल परमार के ज्ञान से आदिवासी समाज ही नहीं जगा, इस देश में सदियों से अंधविश्वास जो कारोबार चल रहा था, वो कारोबार, वो राजनीति जो धर्म के नाम से चल रही थी, उस राजनीति की दुकानें बंद हो गई हैं और इस वजह से दिल मिला करके भावलाल परमार के खिलाफ फर्जी झूठा मुकदमा दायर किया है। मैं जिस थानेदार ने भावलाल परमार के खिलाफ 511 की धारा लगाई है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने कानून की किताब को पढ़ा ही नहीं है। भवनलाल परमार ने जो भी कहा एक एक शब्द सही कहा था कि आदिवासियों की हमारी बहन बेटियां जिनके माता पिता प्रकृति पूजन थे, मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, ये सूर्य हमारा भगवान है, ये चांद हमारा भगवान है, ये धरती हमारा भगवान है, इसकी पूजा करते थे, उसके स्थान पर कुछ गलत लोगों ने आदिवासियों में धर्म के नाम का जो अंधविश्वास बन पाया उसके विरोध में भौर जी ने आह्वान किया कि आदिवासी बहन बेटियों का धर्म मनसा व्रत करने की इजाजत नहीं देता है और मनसा व्रत करने के लिए जो हमारी बहन बेटियां मंदिरों में जाती है उनको बुरी नजर से देखा जाता है। उस बुरी नजर से बचाने के लिए भवनलाल परमार ने कहा था कि हमारी बहन बेटियों को व्रत उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है और मैं भवनलाल परमार की उस बात का समर्थन करता हूं। भवनलाल परमार ने जब बोलना शुरू नहीं किया था तो पिणेश्वर से बाल फड़ा 10 लाख कांवड़ यात्री जाते थे और इस साल 5,000 से कम ही कांवड़ यात्री गए। कितना परिवर्तन आया है भवनलाल परमार के इस आंदोलन से। बड़े बड़े अंधविश्वासियों की दुकानें बंद हो गई है इस वजह से उन्होंने ये किया। मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, ये भारत का संविधान बोल रहा है। हिंदू का अधिनियम आदिवासी पे लागू नहीं होता है, 2011 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोल रहा है। 8% आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, आदिवासी धर्म पूर्वी, और आज आदिवासी भारत के लोगों को अपना धर्म सिखा रहा है तो सारे धर्म की दुकानें बंद हो रही है, धर्म की किताबें लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, इसलिए दिल मिला करके अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमारे मसीहा को अगर शासन प्रशासन ने गलत आरोप लगा करके कहीं गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पूरे भील प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के 10 करोड़ आदिवासियों में आंदोलन होगा और दिल्ली की कुर्सी भी हिल जाएगी। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय नरसिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कड़ी में मध्य प्रदेश के